हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब यूज करना है या उसे इनेबल करना हो तो कैसे करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब कैसे सेटअप करनी है। तो आपको अपने फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब सेटअप करने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब, इसे आप यहाँ से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको ना तो कोई कॉल मिलेगी ना नोटिफिकेशन आपको है, इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ना कॉल आएगी ना कोई मैसेज ना ही आपको कुछ भी देखने के लिए मिल जाना है किसी की नोटिफिकेशन। तो इस प्रकार से आप डू नॉट डिस्टर्ब यूज कर सकते हैं। इसे ऑफ कर देंगे और आपकी सारी कॉल नोटिफिकेशन आ जाएंगी साइलेंट। टर्न और शेड्यूल डू नॉट डिस्टर्ब को आपको शेड्यूल करना हो तो यहाँ से आपको शेड्यूल करने का टाइम मिल जाता है, किस टाइम से किस टाइम तक, स्टार्टिंग टाइम 11 है, एंडिंग टाइम 11 है, या रिपीट एवरी डे पे कर सकते हैं। इसे रिपीट एवरी डे अगर आपको इसे शेड्यूल करना हो तो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको इसे ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, इसके बाद आपको किसी की कॉल SMS नहीं आएगी इसे ऑन करने के बाद, और सामने वाला कोई कॉल करेगा तो उसे आपका फोन स्विच ऑफ भी नहीं बताता है। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय and take care।